हेलो दोस्तों, महेंद्र ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आपको फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर कैलकुलेटर के कुछ हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो अगर आप विंडोज़ कंप्यूटर या फिर लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो शायद आपको पता ही होगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर एक डिफॉल्ट कैलकुलेटर होता है। तो वो जो डिफॉल्ट कैलकुलेटर है वो दिखने में बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा लगता है, लेकिन जितना बेसिक सा देखने में लगता है उतना बेसिक कैलकुलेटर वो नहीं है। उसके अंदर ऐसे बहुत से हिडन फीचर है जो एडवांस लेवल का है। तो अगर आपको इसी डिफॉल्ट कैलकुलेटर के कुछ हिडन फीचर के बारे में जानना है तो आप आज की इस वीडियो को देखकर जान सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो चलिए स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेटर के हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेटर ओपन करना है। कैलकुलेटर ओपन करना बहुत ही आसान होता है। सिंपली आपको स्टार्ट बटन पर जाना है, उसके बाद सर्च करना है CALCU कैलकुलेटर, आप लिख दीजिए तो आपके सामने कैलकुलेटर आ जाएगा। तो सिंपली आप कैलकुलेटर को ओपन कर लीजिए तो ये जो कैलकुलेटर है कुछ इस तरह का आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो मैं विंडोज़ 10 यूज़ करता हूँ इसलिए मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आप विंडोज़ 7 यूज़ करते हैं तो आपके जो कैलकुलेटर है वो थोड़ा अलग दिखेगा, लेकिन आपका जो फीचर है वो लगभग सेम ही आपको मिल जाएगा। तो अभी ये जो कैलकुलेटर है ये बेसिक सा मोड है, डिफ़ॉल्ट मोड है जो हर एक कंप्यूटर में सबसे पहले ओपन होता है। तो जब आप इस कैलकुलेटर को ओपन करेंगे तो आपको इस तरह स्टैंडर्ड मोड दिखेगा, जिसको यूज करके आप नॉर्मल जितने भी काम है कैलकुलेटर का वो आप कम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको एडवांस काम करना है इसी कैलकुलेटर के अंदर तो आज हम उसी बारे में आपको बताने वाले हैं। तो और आप सोच भी नहीं सकते कि इसी सिंपल से कैलकुलेटर के अंदर इतने सारे फीचर छुपे थे। तो उन सारे फीचर्स को यूज करने के लिए सबसे पहले जो आपको काम करना है, आपको ये जो ओपन नेविगेशन का ऑप्शन मिल रहा है आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है। जब आप इस 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे इधर फीचर दिखने को मिलेगा जो बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही न्यू फीचर्स है। तो आप शायद इन फीचर्स को यूज करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर भी यूज करते होंगे, लेकिन आज के बाद आपको किसी तरह का थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत नहीं होगी कैलकुलेटर का, आपको डिफॉल्ट कैलकुलेटर के में ही अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिल रहा है स्टैंडर्ड मोड, इसके बारे में तो आपको पता ही है। आपको सेकेंड जो ऑप्शन मिल रहा है वो है कि साइंटिफिक मोड, तो आपको सिंपली साइंटिफिक मोड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो कैलकुलेटर का फीचर है ये उन लोगों के लिए है जो साइंस का स्टूडेंट है। अगर आप एक साइंस का स्टूडेंट नहीं है तो आपको इसके जो फीचर है, जो इसका जो काम है, आपको समझ में नहीं आएगा, सेटिंग्स आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक साइंस का स्टूडेंट है तो आपको आप देखते ही इसको आप समझ लेंगे। तो अगर आप अपने साइंटिफिक काम के लिए कोई कैलकुलेटर, थर्ड पार्टी कैलकुलेटर यूज करते हैं अपने कंप्यूटर में तो आपको आपके बाद वो करने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपग्रेड कर दीजिए, आप इसी कैलकुलेटर का यूज करके अपना काम आप कर लीजिए। तो के स्टूडेंट के लिए यह फीचर काफी हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद हमारा थर्ड जो फीचर है वो है प्रोग्रामर, तो ये भी फीचर काफ़ी हेल्पफुल है जो लोग प्रोग्रामर हैं। तो अगर आप भी एक प्रोग्रामर है तो ये फीचर आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपके लिए ये उतना खास हेल्पफुल नहीं है, लेकिन अगर आप एक प्रोग्रामर है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसके अंदर भी आपको बहुत सारा फीचर मिलेगा। तो अगर आप प्रोग्रामर के लिए भी कोई कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे तो उसको आप डिलीट कर दीजिए और इसी को आप यूज कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर जितने फीचर होना चाहिए वो सारे के सारे फीचर आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो फीचर है वो है डेट जो कैलकुलेशन, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार एक सेटिंग्स है। तो अगर आपको अपना एज निकालना है तो इस ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। तो आपका एज निकालने के लिए शायद आप कोई सॉफ्टवेयर या फिर आप एज कैलकुलेटर वगैरह कुछ यूज करते होंगे तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप डेट कैलकुलेशन पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आपको इधर डेट कैलकुलेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इधर आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, एक फॉर्म और एक टू। तो आपको अगर अपना एज निकालना है तो सबसे पहले ये जो इधर डिफॉल्ट ऑप्शन शो हो रहा है आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ऊपर मार्च जो ऑप्शन मिल रहा है, जो डेट आपके सामने अभी शो हो रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली आपको आपका जो ईयर शो हो रहा है ईयर के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको चूज करना है। मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है ये है, तो हम इसको चूज कर लेते हैं। उसके बाद कोई आपको दिखाने के लिए एग्जाम्पल, ठीक है, तो हमारा डेट ऑफ बर्थ हम लोग चूज कर लिया है।
उसके बाद 2 के जगह आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका करंट जो डेट है वही शो होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो जो एज है वो कितना एज है, आप देख सकते हैं आपका एज हुआ है 24 ईयर्स 8 मंथ 3 वीक्स, ठीक है। टोटल डेज कितना हुआ वो भी आपको इधर दिखा रहा है। तो आप इस तरह अपना डेट कैलकुलेशन, आपका एज आप निकाल सकते हैं इसी कैलकुलेटर को यूज करके। आपको किसी तरह का थर्ड पार्टी एज कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन पर जाकर आपको सर्च करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फीचर है इसी डिफॉल्ट कैलकुलेटर के अंदर। उसके बाद जो फीचर आता है वो कन्वर्टर। तो कन्वर्टर के अंदर बहुत सारा फीचर आपको मिलेगा, करेंसी का, वॉल्यूम का, ठीक है, और भी आपको बहुत सारा जो ऑप्शन है लेंथ का, वेट एंड मास का, टेम्परेचर का, ये सब आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है करेंसी का, तो अगर आपको करेंसी में कन्वर्ट करना है $1 का कितना रुपया होता है, ये सब आपको अगर चेक करना है, करेंसी आपको कन्वर्ट करना है, तो ये फीचर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो इसके लिए भी आपको इंटरनेट की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको करना क्या होगा, इधर से आपका जो करेंसी है वो चूज कर लीजिए। मान लीजिए आपको डॉलर से रुपी में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली आप इधर जितने डॉलर टाइप करना चाहते हैं, तो मुझे जो है $1 के कितने अभी रुपया चल रहा है करंट डेट में, वो आप इधर देख सकते हैं। तो अभी देखिए इधर आपका इंडिया रुपी सिलेक्ट हुआ है, अगर आपको दूसरे कंट्री का कुछ देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो मैं इंडिया का देखना चाहता हूँ, तो $1 का जो 71 रुपी अभी चल रहा है। अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं इस रेट को कि आज के रेट में कितना है, तो सिंपली आप इधर अपडेट रेट पर क्लिक करके अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये जो करेंसी का ऑप्शन है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, अगर आपको डॉलर से रुपी या फिर दूसरे जो चीज़ है वो आपको अगर चेक करना है। तो उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है कि वॉल्यूम का, तो इसका भी यूज आप कर सकते हैं अगर आपको ये वगैरह चेक करना है। तो ये उतना खास फीचर मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर आपके लिए ये फीचर खास लगता है तो आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो लेंथ का, तो लेंथ के लिए आपको सिंपली आप इंची से मीटर्स, मीटर से इंची, इस वगैरह को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर से, ठीक है, ये सब फीट। ये मान लीजिए आपको ऑन इंची, एक इंची का कितना जो सेंटीमीटर होता है वो आप पता लगा सकते हैं। तो आपको सिंपली ऑन टाइप करना होगा, जो आपका वर्ड होगा वो आप टाइप कर दीजिए, 1 2 3 4 जितने भी इंची का आपको कन्वर्ट करना है तो वो कर दीजिए। आपको नीचे देखेंगे सेंटीमीटर मिल जाएगा, इधर से आप अगर को मीटर को चेक करना है तो मीटर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फीट चेक करना है तो आप फीट भी चेक कर सकते हैं। तो ये सब आप इसी कैलकुलेटर के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत नहीं है, इसी डिफॉल्ट कैलकुलेटर के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमको फीचर मिल रहा है वो है कि वेट का एंड मास का, तो वेट में भी आप पाउंड एंड किलोग्राम का हिसाब कर सकते हैं, और भी आपको इधर ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, जो हेक्टोग्राम वगैरह, ठीक है, ये सब आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इधर से जो 1 पाउंड के कितने किलोग्राम होता है वो भी आप पता लगा सकते हैं इधर से किलोग्राम सेट करके। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से इसी कैलकुलेटर को यूज करके। तो शायद आपको इसके बारे में पता नहीं था कि इस सिंपल सा कैलकुलेटर में ये भी होता है। तो चलिए और एक ट्रिक के बारे में जान लेते हैं, टेम्परेचर का। तो अगर आपको टेम्परेचर चेक करना है तो आप टेम्परेचर के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इधर आपको क्या कुछ मिल रहा है। तो आप अपने हिसाब से इधर टेम्परेचर को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर आप अपना टेम्परेचर टाइप कर दीजिए तो आपको टेम्परेचर मिल जाएगा, टेम्परेचर हिसाब आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको हिसाब करना है तो आप हिसाब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए और एक ट्रिक के ऊपर जाते हैं। इधर आपको एनर्जी का ऑप्शन मिल रहा है, तो एनर्जी में भी आपको कुछ जो फूड के जो कैलोरीज के हिसाब से अगर आपको कुछ एनर्जी को आपको कन्वर्ट करना है, चेक करना है, तो वो आप कर सकते हैं। इधर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल रहा है जो फूड पाउंड्स के हिसाब से, ठीक है, फूड कैलोरीज के हिसाब से अगर आपको 1 टाइप करना है तो 1 फूड पाउंड्स का कितना फूड कैलोरीज होता है वो आप इधर से चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसका भी आप इस काम के लिए यूज कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। उसके बाद अगर आपको एरिया का कोई हिसाब, स्क्वायर फीट, ठीक है, ये सब अगर आपको चेक करना है तो आप इसी कैलकुलेटर से कर सकते हैं। देखिए इधर आपको स्क्वायर फीट वगैरह, स्क्वायर इंचीज, ठीक है, ये सब आपको स्क्वायर मीटर वगैरह आपको मिल रहा है। तो स्क्वायर 1 स्क्वायर फीट के कितने स्क्वायर मीटर होता है वो आप इधर से चेक कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको ये फीचर भी इसके अंदर मिल रहा है। उसके बाद स्पीड का, तो अगर आपको स्पीड चेक करना है कि जो ये पर आवर कितना होता है, मान लीजिए मुझे 1 माइल पर आवर का जो किलोमीटर के ऊपर आपको अगर कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। तो इधर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल रहा है। उसके बाद आपको अगर किलोमीटर के अंदर कुछ
पर सेकेंड यूज करना है तो आप सेकेंड के भी हिसाब लगा सकते हैं। तो स्पीड का भी फीचर आपको इसी कैलकुलेटर के अंदर मिल रहा है। तो उसके बाद आता है क्या, टाइम। तो टाइम में आकर आप इजी तरीके से आप टाइम को जो चेक कर सकते हैं, मान लीजिए आपको ऑन आवर का कितना मिनट कितना सेकंड है वो चेक करना है, तो ऑन टाइप कर दीजिए, आपको मिल जाएगा ऑन आवर का 60 मिनट होता है। अगर आपको इसको सेकंड में चेक करना है तो कितना सेकंड का होता है वो भी आप चेक कर सकते हैं, 3600 सेकंड होता है। अगर आपको 24 आवर चेक करना है तो कितना मिनट कितना सेकंड होता है वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप टाइम को भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप बहुत ही आसान तरीके से इसी कैलकुलेटर को यूज करके, ठीक है। उसके बाद आता है पावर का, तो आप पावर का भी हिसाब कर सकते हैं किलोवाट्स, ठीक है, हॉर्स पावर के हिसाब से जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं इधर बहुत ही आसान तरीके से। तो आपको ये फीचर भी इसके अंदर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है डेटा का, तो इधर अगर आपको डेटा का हिसाब करना है, अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा कि आपको जियो दे रहा है हर रोज 1 GB, 1.5 GB, 2 GB। तो अगर आपको चेक करना है कि 1 GB में कितना मेगाबाइट कितना MB होता है, तो सिंपली आप ऑन टाइप कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 1 GB का कितना मेगाबाइट होता है, 1 GB का 1000 MB होता है। अगर आपको 1.5 GB दे रहा है तो उसका कितना मेगाबाइट हो रहा है आप चेक कर सकते हैं, 1500 GB। तो इस तरह आप डेटा का हिसाब लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से इसी कैलकुलेटर को यूज करके, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे एंगल वगैरह ये भी आपको दिखा रहा है कि अगर आपको एंगल निकालना है, डिग्रीज वगैरह, ठीक है, ये सब आप इधर से निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है इसी कैलकुलेटर के अंदर। तो दोस्तों इतने सारे फीचर आपको इसी एक डिफॉल्ट कैलकुलेटर के अंदर मिल रहा है। अभी आपको जो हम जो ट्रिक बताने वाले हैं ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। तो मान लीजिए आप स्टैंडर्ड मोड में या फिर किसी भी जगह आप कुछ भी हिसाब कर रहे हैं इसी कैलकुलेटर के अंदर, तो अगर आप कैलकुलेटर के हिसाब करते करते कुछ हिसाब आपने भूल गए हैं तो उसको आप उसके हिस्ट्री में जाकर आप कैसे चेक करेंगे। मान लीजिए मैं इधर से कुछ हिसाब कर लेता हूँ, 20 = 20, 85 = 9, ठीक है, उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं, उसके बाद 98 - 69, उसके बाद हम इसको कर देते हैं, उसके बाद इसको भी क्लोज कर देते हैं, उसके बाद हम थोड़ा बहुत इसको 25 से विभक्त कर देते हैं, उसके बाद हम इसको भी क्लोज कर देते हैं, सबको क्लोज कर दिया। अब आपको अगर चेक करना है अभी अभी जितने भी हिसाब आपने किया वो उसका हिस्ट्री आपको चेक करना है, तो उसके लिए ऊपर देखेंगे आपको एक क्लॉक का आइकन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं या फिर आप Ctrl+H को दबा सकते हैं, आपको अपना हिस्ट्री मिल जाएगा। तो आप देखेंगे जितने भी हम लोगों ने अभी अभी रिसेंटली हिसाब किया है वो सारे के सारे हिसाब आपको दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप बहुत ही आसान तरीके से अपने हिस्ट्री को आप चेक कर सकते हैं इसी कैलकुलेटर के अंदर। तो दोस्तों यही था डिफॉल्ट कैलकुलेटर के अंदर कुछ फीचर जो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, और इन सभी फीचर को यूज करने के बाद आपको किसी तरह का थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। तो आपको कौन सा फीचर सबसे बेस्ट लगा इस कैलकुलेटर के अंदर वो आप कॉमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ हर वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आगे और पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।